अगर आपके भी परिवार में बेटी है तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से 75,000 रुपये तक का लाभ बेटियों को दिया जा रहा है, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको यह राशि किस प्रकार से मिलेगी, किस प्रकार से सरकार बेटियों के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफ़र करेगी, उसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप भी अपनी बेटी के अकाउंट में यह राशि ट्रांसफ़र करवा सकें, आप प्राप्त कर सकें। किस प्रकार से यह लाभ मिलेगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कब कब आपकी बेटियों को यह पैसा मिलेगा, यानी कि आपकी बेटियों को जो पैसा मिलने वाला है वह श्रेणी वाइज पैसा दिया जाएगा, तो कब कब आपकी बेटियों के खाते में पैसा आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जो पैसा आपकी बेटियों को दिया जाएगा उसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको कोई भी पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। यह लाभ बेटियों के लिए सरकार की तरफ से पढ़ाई से लेकर शादी तक का जो खर्च है वह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं, किन बेटियों को यह लाभ मिलेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। बस आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि आप कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बेटियों के लिए सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हुई हैं, जिससे कि बेटियों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। ऐसे ही केंद्र सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत की गई है, और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी बेटियों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, बेटियों को लाभ दिया जा रहा है। अब इसके लिए राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। अब यहां पर आपको 75,000 रुपये का लाभ कैसे मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कन्या सुमंगला योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा, यानी कि अगर आप अपनी बेटी को यह लाभ दिलाना चाहते हैं तो आपको कहां पर जाकर आवेदन करना है, कौन सी वह वेबसाइट है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो बने रहेगा, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। एक परिवार में से कितनी बेटियों को यह लाभ मिलेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप किस राज्य में रहते हैं या फिर आपको कौन सा ज़िला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो आपको बता दें कि समाज में बेटियों को उचित स्थान दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसमें बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्च सरकार की तरफ से ही उठाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बेटी को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है, जिसमें अब आपको पैसा किस प्रकार से मिलेगा वह आप यहां पर जान लीजिए। देखिए, जब बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म होने पर सरकार की तरफ से 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और वहीं जो दूसरी किस्त सरकार की तरफ से दी जाती है वह तब ट्रांसफ़र होती है जब बेटी का टीकाकरण होता है, यानी कि आपको यह जो पैसा मिलने वाला है वह किस्त बाय किस्त दिया जाएगा। पहली किस्त जब बेटी का जन्म होता है, दूसरी किस्त जब टीकाकरण बेटी का होता है, उसके उपरांत भी सरकार की तरफ से 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। साथ ही इसी प्रकार से जब बेटी का एडमिशन पहली क्लास में होता है तो तब 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और फिर जब बेटी का एडमिशन क्लास 6 में होता है, छठी क्लास में एडमिशन होता है, तब 2,000 रुपये बेटियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वहीं जब 9वीं क्लास में बेटी जाती है, 9वीं क्लास में एडमिशन लेती है, तो 3,000 रुपये सरकार की तरफ से जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब नेक्स्ट किस्त आपको किस प्रकार से मिलेगी वह आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, इसी प्रकार से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए सरकार की तरफ से जो लाभ दिया जाएगा वह 5,000 रुपये बेटियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जब बेटी एजुकेशन यानी कि स्नातक BA BSc ऐसे में एडमिशन लेती है तो उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों, अब आपको बता दें कि जब बेटे की उम्र 21 साल की हो जाती है, जब बेटी की शादी करते हैं तो बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार की तरफ से
51,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि जन्म से लेकर और स्नातक की पढ़ाई तक आपको सरकार की तरफ से 14,000 रुपये दिए जाते हैं। और वहीं सरकार की तरफ से जो लाभ आपको मिलेगा वह दोस्तों 51,000 रुपये का लाभ आपको दिया जाएगा। और भी आपको यहां पर इस योजना के अंतर्गत जो बेटी हैं उनको लाभ मिलेगा, यानी कि इस योजना के अंतर्गत पूरे 75,000 रुपये का लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब ध्यान रहे कि यहां पर बताया गया है कि यह लाभ उन बेटियों को दिया जाएगा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ हो। अब इसमें आपको क्या लाभ लेना है, यानी किस प्रकार से आपको लाभ लेना है और कौन इसमें लाभ ले सकता है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पास अस्थाई निवासी, यानी कि जिसके पास अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जैसे कि आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल या फिर टेलीफोन बिल मान्य होगा। परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा जो सालाना है, वार्षिक जो आय है, वह 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से कम ही हो, उसके लिए आप दोस्तों आवेदन कर पाएंगे। परिवार में से अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों को ही लाभ मिलेगा, दो बेटियों के लिए ही अकाउंट खोला जा सकता है। इस योजना में लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, skyy.up.gov.in या ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी बेटी को ज़बरदस्त लाभ दिला सकते हैं। तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, आपका कोई दूसरा राज्य है, तो अपने राज्य का नाम भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके राज्य के बारे में भी आपको जानकारी दे सकें कि आपकी बेटियों को आपके राज्य में क्या लाभ दिया जा रहा है। तो आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप चाहते हैं आपसे ज़्यादा तो मिलता है अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।